रेडियो झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा, पिछले 20 दिनों से रहबर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा गरीब असहाय जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री खाद्य पदार्थ का वितरण किया गया, जिसमें रहबर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जाहिद हुसैन, सेक्रेटरी मोहम्मद वारिस अंसारी, कोषाध्यक्ष आसिफ रंगसाज, साथ ही सदस्य साहिद खान, सुलेमान कुरैसी, गुड्डू खान, अप्पू हसन, साहिद खान, औरंगजेब सिद्दीकी, मोहम्मद इकराम एवं अन्य सभी सदस्यगण उपस्थित थे। इस मौके पर सोसाइटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक रोज खाद्य सामग्री पैकेट में बंद करके बांटी जाएगी। इस पैकेट के अंदर चावल, दाल, आलू, नमक, प्याज इत्यादि डालकर इस पैकेट को तैयार कर रहबर वेलफेयर सोसाइटी के झोले में बंद कर वितरण किया जा रहा है। भाई सलाम आदाब, अभी हम लोग रहबर वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में बैठे हुए हैं और ये लॉकडाउन का 2.0 चल रहा है। दोबारा लॉकडाउन जारी कर दिया गया है 3 मई तक के लिए, तो हम लोग भी अपनी तैयारी पूरी तरह से पूर्ण रखे हैं ताकि जब तक लॉकडाउन रहे तो हम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जो भी इच्छुक लोग हैं जहाँ लगे पास पड़ोस आस पास के समाज में कि किसी को ज़रूरत है, वैसे ज़रूरतमंद हैं, तो आप रहबर वेलफेयर सोसाइटी के किसी मेंबर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे रहबर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जाहिद सिद्दीकी डब्लू जी बैठे हुए हैं, बगल में ही साथ में कार्य को देख रहे हैं मेंबर प्रतिनिधि शरीफ साहब बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा खाद्य सामग्री है। यह हमारे सुलेमान भाई सदस्य बहुत पैक कर रहे हैं, देखिए लगे हुए हैं। पूरी टीम हमारी मिलजुल के यहाँ पे काम कर रही है और सारे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे चावल पैक हो रहा है, उधर दाल रखा हुआ है, प्याज है, आलू है, नमक है, जो भी चीज़ें हम लोग लगातार बांट रहे हैं। लगभग आप लोगों का बहुत सहयोग भी मिल रहा है और जिसके कारण हम लोगों को किसी तरह की अभी तक कमी नहीं हुई है। हम लोग जो भी चालू हुए हैं लॉकडाउन में तो अभी तक लगातार कार्यों में लगे हुए हैं। ये हमारा ऑफिस है गढ़वा। इंडियन रोटी बैंक गढ़वा शाखा के द्वारा पिछले 24 दिनों से असहाय एवं गरीब लोगों को भोजन कराने का काम किया जा रहा है और कोरोना से बचने का उपाय सभी लोगों को बताया भी जा रहा है। सबसे भोजन देने के साथ साथ पहले भोजन देने के साथ साथ बोला जा रहा था कि वे अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। आज हमारे पास एक यही कोरोना से बचने का सही तरीका है। कोरोना वायरस जैसी भयावह बीमारी से लोगों को कैसे जागरूक करें? अभी भी आपके गांव मोहल्ले में गरीब असहाय लोग हैं जो एकदम असमर्थ हैं, ऐसे लोगों का मदद करें और हो सके तो उनके पास तक भोजन मुहैया कराई जाए। इस कार्य में इंडियन रोटी बैंक के जरूरतमंद एवं असहाय लोगों तक भोजन पहुँचाने का कार्य कर रहा है। इस कार्य को मुख्य रूप से जिला कोऑर्डिनेटर अंजलि गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में विशेष सहयोगी सोशल मीडिया प्रभारी सूरज गुप्ता, सोनू कश्यप, सदाम हुसैन, इमरान अख्तर, आलम आरा, सदाम हाशमी, उषा देवी, भोला, प्रिया, तन्नू, मुस्कान, राजन गुप्ता एवं इंडियन रोटी बैंक परिवार गढ़वा शाखा के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी न भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।